क्या रखें इसका डिमांड? ये 1 लाख रुपए में सेल करेंगे, 1 लाख में छोड़ देंगे, ये 1,20,000 रुपए में, 1,20,000 रुपए में सेल करते हैं, 1,20,000 में क्या डिमांड रखें? ये 1,55,000 रुपए में सेल करना, 1,55,000 क्या रखें इसका डिमांड? 1,60,000 रुपए में सेल करना है, 1,25,000 रुपए में देना है, 2,50,000 में देना, क्या रखें प्राइस? ये गाड़ी को सेल करना है 3 लाख रुपए, 3 लाख प्राइस क्या रखें इसका? इसका प्राइस 3 लाख रुपए, और इसका प्राइस क्या रखें आप? इसका प्राइस 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए प्राइस, क्या रखें इसका डिमांड? ये 3,80,000 में, 3,80,000 क्या रेट रखें इसका? 3,80,000, 3,80,000 इसका, 5.5 लाख, ट्रेंड मॉडल है कंपनी का, अच्छा 7.5 लाख रुपए में सेल करना है, 7.5 लाख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग चित्रा में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज हम आ गए हैं गोंदिया भंडारा करके कहते हैं इसको, ये करीब नागपुर यहाँ से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और यहाँ से गोंदिया है 80 किलोमीटर, उसके बीच में है ये भंडारा करके, और ये शॉप का नाम है शिव साई ऑटो डील करके है, फोर व्हीलर गाड़ी खरीदी बिक्री की जाती है। साथ ही यहाँ प्राइस क्या होने वाला है और अदर स्टेट में फाइनेंस होता है कि नहीं, पूरा डिटेल्स भैया के माध्यम से लेंगे। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और आप हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है चित्रा12345, और फेसबुक में भी जाके ब्लॉग चित्रा सर्च कीजिएगा, वहाँ भी हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ काफ़ी कलेक्शन है और स्टार्टिंग प्राइस क्या है, भैया के थ्रू जानते हैं, तो चलो भैया को बुलाते हैं। वेलकम माई यूट्यूब चैनल सर, आपका नाम क्या है? दीपक श्रीवास्तव। दीपक श्रीवास्तव, ये शॉप कब से आप? 6 साल हो गया। प्रॉपर यहीं पे था कि कहीं और था शॉप आपका? इसके पहले 2 महीना पहले राजू गांधी चौक में था। अच्छा अच्छा, वहाँ पे था, नरसिंहगंज के साइड में। अभी आपके पास कलेक्शन में कौन कौन सा कार है? अभी मेरे पास में XUV है, 500 W8 है वो, उसके बाद में मतलब लगभग। और स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा आपके पास? कम से कम मेरे पास में 60,000 रुपए से, 60,000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, और अदर स्टेट में फाइनेंस होगा आपके? करा सकते हैं, देखे हो जाता होगा, है ना? और स्टार्टिंग में फाइनेंस में कितना देना पड़ेगा? उसका गाड़ी का वैल्यूएशन के ऊपर में रहता है। अच्छा, कंडीशंस कैसे हैं, मॉडल कौन सा, उसके हिसाब से, और कस्टमर के डॉक्यूमेंट किस टाइप के हैं। अच्छा, ये लैंडमार्क बता दीजिए जिसको लेना होगा यहाँ आने के लिए। ये भंडारे का मुस्लिम लाइब्रेरी चौक है, साइड में देशकर का हॉस्पिटल है, उसी के बाजू में अपना शॉप है। मतलब कोई भी बोलेंगे एड्रेस तो बता दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये टाटा की विस्टा है, विस्टा 2012 का गाड़ी है। हाँ, उसके 7वीं लाइन से जो गाड़ी लगी है। हाँ हाँ, ये सारी गाड़ी 1 से 1.5 लाख रुपए के रेंज, 1 से 1.5 लाख। अच्छा, इसका क्या रनिंग हुआ विस्टा का? इसका 80,000 किलोमीटर चला। 80,000। ओनर कौन सा होगा? सेकंड ओनर पे गाड़ी, सेकंड ओनर में। इसमें क्या फीचर दिए? AC है, पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो दिया है। हाँ हाँ, बाकी टायर्स लगभग अभी चलेंगे ही? हाँ चलेगा, 60-50% है, 50% टायर है। अच्छा, और ये कहाँ का पासिंग है? ये पासिंग है नागपुर का, नागपुर पासिंग 49। अच्छा, इसका क्या प्राइस रखे हैं? ये 1,20,000 रुपये में, 1,20,000 में। नेगोशिएबल है प्राइस? 2013 मॉडल नेगोशिएबल है। अच्छा, 13 मॉडल है, 2013 का मॉडल है, 1,20,000 में छोड़ देंगे पूरा, और उसमें भी नेगोशिएट। और जो प्राइस बता रहे हैं आप, ये पेपर इंक्लूड है कि अलग से? पेपर इंक्लूड है, इंक्लूड है ना पेपर, इसमें इंक्लूड है, मतलब अलग से नहीं देना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ ओनर को जैसा रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करना। हाँ, है तो जो उसका 1,500 से 2,000 का चार्ज उसका लगेगा, तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा लगेगा हर गाड़ी में। इसके बाद देखेंगे कौन सी। ये भी मारुति सुजुकी का रेट, कौन सी मॉडल? ये 2009 का है, 2009 मॉडल। पासिंग कहाँ का है? ये नागपुर पासिंग गाड़ी है, इसमें भी AC, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो दिया है, अंदर में सारी चीजें देखो, फ्रेश दिखेंगे। अच्छा, VXI मॉडल है, सेकंड ओनर, सेकंड ओनर है। रनिंग कितना हुआ होगा इसका? होगा 1 लाख रुपए के आसपास, 1 लाख। टायर्स वगैरह सब कंडीशंस ओके? सब 90% टायर, 90%। क्या रखें इसका डिमांड? 1,60,000 रुपए में सेल करना है, 1,60,000 में छोड़ देंगे। इसमें भी नेगोशिएबल है? हाँ, इसमें भी कर लेंगे, हो जाएगा ना यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, उसके बाद देखेंगे ये, ये कौन सी भी है? ये टाटा का मंजा गाड़ी है। अच्छा, मंजा है, 2010 का है ये, 2010 का। रनिंग? रनिंग इसका भी 1 लाख के आसपास में, 1 लाख के आसपास। पासिंग कहाँ का होगा ये? ये नागपुर पासिंग है। अच्छा, नागपुर पासिंग है, ये 1,20,000 रुपए में सेल कर देंगे, 1,20,000 में छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ये अंदर में क्या फीचर है भी इसमें? इसमें भी AC दिया, पावर स्टेयरिंग दिया है, पावर विंडो है। बाकी अंदर फ्रेश कंडीशन है? अंदर फ्रेश कंडीशन है, फ्रेश कंडीशन है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ओमनी, कौन सी मॉडल है भैया? ये 2011 का है, 2011 मॉडल। क्या रनिंग हुआ होगा इसका? इसका 70-80 हजार किलोमीटर, 70-80 हजार चल गया है। पासिंग कहाँ का होगा?
ये नांदेड़ की तरफ का है, मराठवाड़े साइड का। अच्छा अच्छा अच्छा। और ओनर? ये गैस्केट अप्रोल गाड़ी है। अच्छा, गैस्केट में? हाँ, गैस्केट अप्रोल है, पेपर पे चढ़ा हुआ है। पेट्रोल भी है कि साथ दोनों? पेट्रोल प्लस दोनों कन्वर्ट है ना। अच्छा अच्छा, इंश्योरेंस भी वैलिड है। क्या डिमांड रखें? ये 1,55,000 रुपए में सेल करना है। 1,55,000, 11 का मॉडल। 11 का। बाकी इसमें तो एसी वगैरह होगा? नहीं, एसी नहीं देता ना इसमें तो। इसमें एसी नहीं देता। बाकी टायर्स की कंडीशन लगभग 50-40% है। इसके बाद कौन सी कार है आपके पास? वो उसके बाद में मेरे पास में क्रूज है। हाँ चलो, वो कार देख लेते हैं। ये भी आप? ये मारुति की है, SS4 है। SS4 जी। लंबी कार है? लंबी कार है। हाँ। पेट्रोल गाड़ी है। पेट्रोल 2007 का मॉडल है। हाँ। इसमें भी एसी दिया है, पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है। हाँ। टायर भी 90%। ओनर कौन सा हो गई? ये सेकंड ओनर पे गाड़ी है। सेकंड ओनर। रनिंग कितना हुआ? रनिंग इसकी 80,000 किलोमीटर। 80,000 रनिंग है। बाकी टायर्स वगैरह नए डले हैं इसमें? न्यू टायर है। न्यू टायर्स के साथ? न्यू टायर है, इंश्योरेंस है गाड़ी। अच्छा, इंश्योरेंस है। क्या रखें इसका डिमांड? ये 1,00,000 रुपए में सेल कर, 1,00,000 में छोड़ देंगे इसको। अच्छा, ब्लैक कलर में है, लंबी कार, अंदर का फ्रेश कंडीशन में? हाँ, फ्रेश कंडीशन। फ्रेश कंडीशन। डिक्की भी काफी बड़ी है गाड़ी की। हाँ। इसका पासिंग कहाँ का बताया थे? ये मुंबई। ये कौन सी मॉडल होगी सर? ये 2014 का है, होंडा का ब्रियो गाड़ी है। अच्छा, 2014 मॉडल है। रनिंग कितना होगा इसका? 60,000 किलो। 60,000। इसमें अंदर फीचर्स क्या होंगे? इसमें टॉप एंड मॉडल है ये कंपनी का। अच्छा। अलॉय व्हील दिया है बाहर में। हाँ। अंदर में एयर बैग दिया है। हाँ। एसी है, पावर विंडो है। बाकी कंपनी फिटेड है सब? एसी वगैरह सब ऑन है, म्यूजिक सिस्टम टोटल ओके, टोटल ओके। टायर्स वगैरह तो चेंज नहीं कराना पड़ेगा? ये ओनर कौन सा होगा? ये सेकंड ओनर पे, सेकंड ओनर है। और इसका प्राइस क्या रखें आप? इसका प्राइस 3,00,000 रुपए है। 3,00,000 रुपए प्राइस है। नेगोशिएबल है आने के बाद प्राइस में? हाँ, नेगोशिएबल हो जाएगा। नेगोशिएबल प्राइस है ना। और बाकी पासिंग कहाँ का हो गई? ये नांदेड़ पासिंग है, लेकिन भंडारा आरटीओ रजिस्टर्ड है। अच्छा, भंडारा आरटीओ रजिस्टर्ड है। इसमें हो जाएगा ना नेगोशिएबल? इसके बाद देखेंगे ये कौन सी कार है? वो इनोवा है, टोयोटो कंपनी की। अच्छा, इनोवा है, D4D। हाँ, 2007 का मॉडल है वो। 7 का मॉडल है। 60,000 रनिंग है। 60,000 ओनर कौन सा होगा? सेकंड ओनर गाड़ी है। सेकंड ओनर। क्या रखें प्राइस? उसको 2,50,000 रुपए में देना है। 2,50,000 में देना है। उसमें नेगोशिएबल है प्राइस? हो जाएगा ना। और बाकी अंदर में क्या फीचर दिए? अंदर में टच स्क्रीन डेक लगा हुआ है। अच्छा, सीट कवर, अंदर की एसी वगैरह सब वगैरह सब ओके है। टोटल 9 सीटर होगा ना वो? 7 सीटर। 7 सीटर में आता है। इसके बाद देखेंगे ये है डस्टर रेनॉल्ट की। ये 2014 का मॉडल है। 14 का। वो पासिंग कहाँ का था? ये नागपुर, मुंबई पासिंग है। अच्छा, मुंबई पासिंग है। ये बताइए डस्टर का? ये 2013 का है। 2013 मॉडल। हाँ। भंडारा आरटीओ रजिस्टर्ड है। हाँ। सेकंड ओनर गाड़ी है। सेकंड ओनर। अच्छा, ये 5 सीटर कार है। हाँ। 6 गियर वाली गाड़ी है। अच्छा अच्छा, रेनॉल्ट की। रनिंग कितना हुआ होगा इसका? 60,000 रनिंग है। 60,000। ओनर क्या बताएं? सेकंड ओनर। क्या रखें इसका डिमांड? ये 3,80,000 में से 3,80,000 में छोड़ देंगे। अच्छा, और YouTube देखकर कोई आएंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा प्राइस में? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा ना आपके माध्यम से मिलेगा। हाँ। इसमें अंदर में क्या फीचर्स दिए होंगे? ये कंपनी का टॉप एंड मॉडल गाड़ी है। हाँ। इसमें एसी दिया है, पावर स्टीयरिंग दिया। हाँ। है, टच स्क्रीन डेक दिया है, रिवर्स कैमरा। हाँ। अच्छा, रिवर्स कैमरा भी दिया हुआ है। बाकी ओके है, आएंगे और लेके जाएंगे? हाँ, बिल्कुल ओके कंडीशन में। अच्छा, सभी गाड़ी ओके कंडीशन में। इसके बाद देखेंगे ये है हुंडई का। ये कौन सी भी है? ये 2014 का मॉडल है, बटन स्टार्ट डीजल गाड़ी है। डीजल गाड़ी है। और अभी तक जो देखिए अपन कौन कौन सा, ये तो डीजल में होगा डस्टर जी? डस्टर भी डीजल में था, इनोवा भी डीजल में था, वो भी ये पेट्रोल वेरिएंट हो गया। ये हुंडई का कौन सा है? i20 की है। i20 स्पोर्ट मॉडल है। स्पोर्ट मॉडल, कंपनी का टॉप मॉडल गाड़ी है। अच्छा, मॉडल क्या बताए थे? 2014। ओनर कौन सा होगा? ये थर्ड ओनर गाड़ी, थर्ड ओनर है। कितना रनिंग होगा इसका? 70,000 किलोमीटर। 70,000। पासिंग इमेज 12, पुणे का। अच्छा, पुणे का पासिंग है। क्या रेट रखें इसका? 3,80,000। 3,80,000। 80,000 में। और इसके न्यू में क्या प्राइस होगा? इसका न्यू में प्राइस जाएगा 7 तक के जाता है। अच्छा, 7,00,000 तक मिलता है। इसमें क्या फीचर्स दिया? और ये भी कंपनी का टॉप एंड मॉडल है, बटन स्टार्ट गाड़ी है। अच्छा, डीजल है। हाँ। एसी, पावर स्टीयरिंग, रिवर्स कैमरा। हाँ। टच स्क्रीन डेक, मतलब इसमें सब मिल जाएगा अंदर में, पावर विंडो वगैरह सब टोटल मिलेगा। इसके बाद देखेंगे स्विफ्ट का। ये 2015 का मॉडल। डीजल गाड़ी है। हाँ। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर।
रनिंग रनिंग इसकी 60,000 किलोमीटर 60,000 किलोमीटर अच्छा 60,000 और इसमें क्या फीचर्स दिए हुए? ये भी इसका VDI मॉडल है, एसी दिया है, पावर स्टीयरिंग है, डीजल वेरिएंट हो गई, डीजल वेरिएंट है। कहाँ का पासिंग है? नागपुर पासिंग है। नागपुर पास, बाकी तो अंदर पूरा कंपनी फिटेड लगा हुआ है कि अदर से? नहीं, कंपनी फिटेड, कंपनी फिटेड। और कुछ खर्चा इसमें अभी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आएंगे लेके जाएंगे। क्या रखे हैं प्राइस इसका? 5.5 लाख रुपये। 5.5 लाख में। चलो इसके बाद देखते हैं फोर्ड का है, ये कौन सी मॉडल है? ये इको स्पोर्ट का गाड़ी है, 2017 का, 2017 डीजल गाड़ी है। हाँ, ट्रेंड मॉडल है कंपनी का। अच्छा, 7.5 लाख रुपए में सेल करना है। 7.5 लाख रुपए। क्या हुआ रनिंग इसका? इसका रनिंग 40,000 किलोमीटर। 40,000। ओनर कौन सा होगा? सेकंड ओनर गाड़ी। सेकंड ओनर। अंदर क्या फीचर्स ये होगा? अंदर में वही रिवर्स कैमरा। अच्छा, रिवर्स कैमरा दिया है। पावर विंडो, एयर बैग वगैरह इसमें है? एयर बैग भी दिया है ना, पावर विंडो वगैरह सब दिया। अच्छा, इसके बाद कौन सा कार दिखाने वाले? पीछे में और एक क्रूज है। अच्छा, ये कौन सी है? ये क्रूज है। क्रूज। अच्छा, मॉडल कौन सा है? 2010 का मॉडल है। 2010 मॉडल। कौन सी ओनर होगी ये? सेकंड ओनर पे गाड़ी। सेकंड मॉडिफाई हुआ है जी? मॉडिफाइड कराया इसको। अच्छा, जिसको मॉडिफाई कार चाहिए वो ले सकते हैं इसको? इसमें पूरा रैंप लगा हुआ है। अच्छा, ये डीजल वेरिएंट है? ये डीजल में। डीजल वेरिएंट। क्या फीचर्स दिए? इसमें सनरूफ दिया है। सनरूफ दिया। अच्छा, सनरूफ दिया हुआ है। एसी है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, रिवर्स कैमरा है। हाँ, टायर भी 90% है। अच्छा, टायर 90% है। कहाँ का पासिंग है? ये पासिंग मुंबई है। मुंबई पासिंग। क्या रखें प्राइस? ये गाड़ी को सेल करना है 3 लाख रुपए में। 3 लाख रुपए में। इसमें भी नेगोशिएबल है? अच्छा, बाकी कंडीशंस ओके है? देख सकते हैं आप इसके अंदर का भी, आपको कंडीशन बीच बीच में देखने को मिलेगा। और इसके बाद वो ब्लैक कलर की कौन सी सेम है क्या? सेम गाड़ी है। हाँ, वो भी क्रूज है। हाँ, 2011 का मॉडल है। 2011 मॉडल। MS 43 में है। हाँ, पनवेल मुंबई के पास का है। अच्छा, मुंबई के इसमें पास। इसमें भी सेम सनरूफ दिया है, एसी है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, सेम फीचर्स के साथ। सेम फीचर्स के साथ। कितना रनिंग हुआ इसका? इसका 70,000 चला। 70,000। ओनर कौन सा होगा? सेकंड ओनर। सेकंड ओनर। पासिंग बता दिए। प्राइस क्या रखें इसका? इसका प्राइस 3 लाख रुपये। 3 लाख। दोनों का सेम प्राइस है, सेम कंडीशन के साथ है। इसमें कुछ टचअप हुए हैं? थोड़ा एक दो पीस टचअप रहेंगे। अच्छा, थोड़े बहुत। और अभी आपके पास कौन सी कार है अभी फिलहाल में? तो और गाड़ी आने की है। अच्छा, कस्टमर जैसे बोलेंगे तो वो कार आप दिला देंगे। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? यूट्यूब के माध्यम से अगर से कोई भी कस्टमर आता है तो उसे हम 10,000 से 15,000 रुपए का कुछ गाड़ियों में 10-15,000 डिस्काउंट मिलेगा ही, मतलब माइनस होके कोई भी कार रही। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है Chitram12345। और फेसबुक में भी आप व्लॉग Chitram सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, फेसबुक में भी पहले देखने को मिल जाता है। तो चलो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।